तो गाइज, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं इसलिए थंबनेल पे क्लिक कर कर इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं। पर मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन काम आप ढूंढ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब तक काम मिल चुका है? आई नो कि आप में से 70 से 80% लोगों का जो रिप्लाई आएगा वो यही आएगा कि हमें अभी तक ऑनलाइन काम नहीं मिला। इसके पीछे बहुत रीजन होते हैं। अगर मैं रीजन की मैं बात करूं तो देखिए, हो सकता है कि जिस वेबसाइट, जिस वीडियो को आप देख रहे हो वहां पे वैकेंसीज उतनी ना हो और अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा हो, तो जिसकी वजह से आपका वहां पे नंबर नहीं आ पाता, या फिर हर किसी के लिए हर जॉब नहीं होती है। हो सकता है आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए स्किल्स जो जरूरत है वो आपके अंदर ना हो, या ये भी हो सकता है कि जिस वेबसाइट पे अप्लाई आप कर रहे हैं वो वेबसाइट ठीक ना हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक ऐसा काम मिले जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, यानी कि गवर्नमेंट का खुद का काम हो और लिखने का काम हो, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? आई एम श्योर कि आप ऐसा काम करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट पर काम करते हैं तो हमें ये श्योरिटी होती है कि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। या तो हमारा सिलेक्शन होगा, हमें काम मिलेगा, हम काम करके देंगे, हमें पैसा मिलेगा, या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। दो ही बातें हो सकती हैं। अभी क्योंकि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, लोग लगातार अप्लाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी हो रहा है, वो अर्निंग करना भी शुरू कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो जरूर बनाऊं, एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी कंपनी जरूर लेके आऊं जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है, जहां पर आपके श्योरिटी है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि यहां पर लिखने का काम है, तो आपको यहां पर लिखना है। अब क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें यहां पर मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और जो मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाऊंगा यही आपको सेम टू सेम अपने मोबाइल से करना है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मोबाइल पे आपको वेबसाइट ओपन करनी है, कैसे काम करना है। डिक्टो सेम टू सेम वही आपको वैसे ही मेथड को फॉलो कर कर अपने मोबाइल से करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको लाइव लैपटॉप के स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली समझ सकें। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट के लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके जाऊँ, उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और साथ ही साथ 2023 के अंदर मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोगों को जॉब के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब से अर्निंग करनी है। कैसे करनी है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और मैं आपके उस कदम में, मंजिल तक पहुंचाने में आपका साथ दूंगा। एक चैनल शुरू किया है मैंने जिसका नाम है QA4Earn। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब करना है जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और मैं वहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने चैनल ग्रो कर सकते हैं, और जिनके चैनल सही होते हैं उनको मैं लाइव अपने चैनल पे प्रमोट भी करता हूँ, और ऐसे चैनल को मैं लाइव चेक करके उसके ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अभी से अभी हमारा जो चैनल है QA4Earn वाले चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ इस पूरे प्रोसीजर को। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जो आपको अपने मोबाइल को ऑन करना है, और मोबाइल में आपको अपने ब्राउजर को ऑन करना है जो कि गूगल क्रोम। जैसा कि मेरा यहाँ पर ब्राउजर है गूगल क्रोम, मैंने इसको यहाँ पर ओपन करा, आपको भी ऐसे ही ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर गूगल पे आ जाना है, google.com को ओपन करना है और सर्च करना है यहाँ पर, देखिए raspin.iisc.ac.in। दोबारा से आप स्पेलिंग देख लीजिए, RESPIN raspin.iisc.ac.in। ये वेबसाइट आपको सर्च करनी है, करने के बाद आपको एंटर मार देना है।
जैसे ही आप एंटर मारेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कुछ इस तरह की होगी। अब यहाँ पे देखिए इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप एंटर मारेंगे इन कर तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। ये भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पर ये अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। आप लोगों के लिए हमेशा जेन्युइन जॉब लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। नीचे आप आएंगे, देखिए यहाँ पर इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई, यानी कि इस कंपनी के वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि किस किस स्टेट में है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। यहाँ पर देखिए आप लैंग्वेज देखेंगे, अगर हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़, मगाधी, चित्रगाड़ी एंड मिथाली, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिस पर यहाँ पर काम आप कर सकते हैं। कैसे काम करना होता है इसके ऊपर यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसको एक बार चेक कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ गैलरीज दी गई हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए इनका एड्रेस दिया गया है, ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आप भारतीय विज्ञान संस्थान की ये जॉब निकली हुई है। अब हमें जॉब यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं राइटिंग की, यानी कि लिखने की जॉब। तो आपको यहाँ पे देखिए 3 लाइन्स दिख रही हैं, इन 3 लाइन्स पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए आपको एक ओपनिंग्स का ओपनिंग्स लिखी हुई है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपनिंग्स पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखिए रिसर्च ओपनिंग, जनरल ओपनिंग, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग जॉब्स हैं, लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंटेंट राइटर की। कंटेंट राइटर की ये जॉब होने वाली है, आपको सिंपली इस कंटेंट राइटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटेंट राइटर पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से एक PDF ओपन हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर पूरी डिटेल जॉब के बारे में दी गई है। अब यहाँ पर ऊपर आप चेक करेंगे तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया, भारतीय विज्ञान संस्थान की ये जॉब निकली हुई है। जॉब प्रोफाइल नेम क्या है, कंटेंट राइटर, ये एक पार्ट टाइम में आपको काम करना है। तो ऐसे लोग जो अभी एक गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, समझ लो कि ये जॉब परफेक्टली आपके लिए बनी हुई है। अभी तक आपको कोई काम नहीं मिला, हो सकता है इसी एक जॉब की वजह से आपको काम नहीं मिला हो, और आज जब आप इस वीडियो को पूरा देखकर अप्लाई करने जाएंगे तो हो सकता है कि ये काम आपको मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि स्किल और रिक्वायरमेंट्स इस जॉब के लिए आखिर क्या है। सबसे पहले देखिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका राइटिंग का काम है, तो आपको जो राइटिंग करनी पड़ेगी वो आपको लैपटॉप, PC, कंप्यूटर में करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। नीचे आ जाएंगे, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज या आपकी जो भी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड कोई डिग्री आपके पास है तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा काम लैंग्वेजेस में होना है, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो इनमें आपको देखिए डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10th की है, 12th की है, तो आपने हिंदी उसमें सब्जेक्ट आपका होगा, तो अगर वो है कंपलसरी, इंग्लिश है, तो समझ लीजिए कि वो आपका एक सर्टिफिकेट है कि आपने इंग्लिश की हुई है, हिंदी की हुई है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप, आपके घर में लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव से ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी सिटी मेट्रो सिटीज़ में है तो आपकी मेट्रो सिटीज़ में आपको रेंट पे भी लैपटॉप डेस्कटॉप मिल जाते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे अपनी सिटी का नाम और रेंट लैपटॉप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए है, उसके बाद मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स। देखिए गूगल डॉक्स क्या होते हैं, जहाँ पर गूगल के लिए डॉक्स एक ऐसा ही होता है जैसे एक MS ऑफिस होता है, तो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, पहले आपका काम अप्लाई करने का। गूगल डॉक्स तो आप 5 मिनट में सीख जाएंगे, यूट्यूब पे जाइए गूगल डॉक्स लिखेगा तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनसे आप सीख सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, आपके घर में PC लैपटॉप तो है ही है, साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी आपका होना चाहिए, अच्छी इंटरनेट स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका प्लस पॉइंट होगा। जॉब लोकेशन देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही था,
जॉब लोकेशन लिखी है, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, क्वालिफिकेशन की अब बात हम कर लेते हैं क्योंकि मेन सबसे वही है कि कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मस्ट नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन ईयर में आपका होना ज़रूरी है। नीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए जो आपको सैलरी मिलने वाली है, अब यहाँ पे सैलरी देखकर आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 10,000 पर मंथ है, सिर्फ और सिर्फ 10,000। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये एक पार्ट टाइम में काम है जहाँ पे आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना है डेली का बस। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो 10 रुपये वेल है, इनफ है। अगर आप एक किसी गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं तो 10,000 कम अमाउंट नहीं है जब तक कि आप खाली हैं, क्योंकि काम भी आपका सिंपल सा राइटिंग का है तो उसके लिए 10,000 अच्छा अमाउंट है एक गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। तो आपको अभी अमाउंट नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपको वर्क मिल रहा है और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जब आप यहाँ पर काम करेंगे, तो वो सबसे मेन है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक टॉपिक्स मिलेंगे लिखने के लिए, राइट अप्स विल बी गिवन टू यू। आपको अपने मन से नहीं लिखना, आपको जो है कंपनी की तरफ से आपको टॉपिक्स मिलते हैं जिनके के ऊपर आपको लिखना होता है। टास्क जो होता है वो स्टोरी फॉर्मेट पे होता है, यानी कि एक स्टोरी टाइप की आपको लिखनी होगी जो कि बहुत इजी होता है लिखना, आप इजीली लिख सकते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में बोला जाएगा उसमें लिखा जाएगा, हो सकता है कि इंग्लिश में हो सकता है हिंदी में, वो डिपेंड करता है कंपनी आपको किस लैंग्वेज में वो देती है। द स्टोरी मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट सच दैट इज ए इम्प्रोवाइजिंग टू कॉमन पीपल, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं उनको इम्प्रोवाइज करने वाली स्टोरी होनी चाहिए, उनसे रिलेट करने वाली होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक बार यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो पहले आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं होने वाली। एवरी डे यू हैव टू डेडिकेटेड 2-3 आवर्स टू राइटिंग, जैसे मैंने कहा कि हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं है लेकिन 2 से 3 घंटे आपको लगातार यहाँ पे हर दिन काम करना पड़ेगा। उसके बाद अब नीचे आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सिलेक्शन ऑफ द राइटर विल हैपन थ्रू अ पायलट राइटिंग टास्क रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपका पायलट टास्क से रिलेटेड अगर आप क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। अब वो कैसे है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें ध्यान से देखना है। उसके बाद स्पेशल नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द राइटर विल नॉट ओन द कॉपीराइट, यानी कि जो यहाँ पे आप लिखेंगे उसका कॉपीराइट आपके पास नहीं होगा क्योंकि वो आप कंपनी के लिए लिखेंगे तो वो कंपनी की चीज़ होगी, तो उस पर कल को आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लिखा है तो मेरा कॉपीराइट है, ध्यान रखना है। द राइटर शुड नॉट शेयर द ब्रॉडकास्ट द ओरिजिनल ड्राफ्ट और एनी प्लेटफॉर्म, यानी कि जो आप लिखेंगे ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं और भी शेयर कर रहे हैं या आपने किसी और को दे दिया या आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर कर दिया, वो आपको नहीं करना होगा क्योंकि जो आप लिख के दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी होगी इन कंपनी की जहाँ पे आप उनको वो देंगे, तो इसलिए आपको कहीं भी शेयर नहीं करना। अब आते देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई का एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के आपको आगे दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब ये कह रहा है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है, कम्युनिकेशन जिसपे आपको मेल्स या जो आपको कोई लेटर वगैरह आता है, पोस्टल कोड, आपकी मदर टंग नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छी परफेक्ट तरीके से आती है बोलनी, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। नीचे जाएंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो यहाँ पे डालनी है। अब ये कह रहा है कि क्या आपके पास सामग्री लेखन का पूरा अनुभव है। देखिए राइटिंग तो हर कोई करता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर लिखा होगा, तो आपको यस ही कर देना है। आर यू करेंटली वर्किंग, क्या आप अभी कहीं काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस, अगर खाली हैं तो नो कर दीजिएगा। अगर कर रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको लिखना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अपलोड योर लेटेस्ट सीवी रिज्यूम, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बायोडाटा अपलोड करना है। ध्यान रखना मैं हर बार बोलता हूँ
कि बायोडाटा आपका लेटेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है, गूगल पर सर्च कीजिए और एक अच्छा सा बायोडाटा बना के रख लीजिए, ताकि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो सीधे उसको यहाँ पे अपलोड कर सके। तो ये पूरा फॉर्म भरकर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे ही मैंने ये फॉर्म पूरा भरा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया है डिक्लेरेशन का। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस कार्य के लिए आपके अनुसार कौन सी बातें आपको सबसे उपयुक्त बनाती हैं, यानी कि आपको ये लिखना है कि आप क्यों इस जॉब के लिए परफेक्ट है। ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। हाउ मैनी आवर्स, कितने दिन आप घंटे दे सकते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। आई अंडरस्टैंड पे कमेंट कर आपको सबमिट कर देना है। तो एक बार ये भी पूरा फॉर्म भरकर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे ही मैंने ये पूरा फॉर्म भरा, अब यहाँ पे देखिए आ गया योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है रिस्पॉन्ड रिकॉर्ड हो चुका है। हमारा जो है यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया था वो सब सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका कन्फर्मेशन आपके मेल पर आएगा। वहाँ पर फिर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको अपनी राइटिंग के लिए कुछ सैम्पल्स देने होंगे। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि आपका बायोडाटा है वो चेक होगा। चेक होने के बाद अगर वहाँ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच करता होगा तो आपको एक टास्क मिलेगा। वो टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि राइटिंग का होगा। राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, यानी कि राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किसी टूल की हेल्प लीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट की तरफ से जॉब निकली हुई है। तो अगर आप किसी भी टूल्स की हेल्प लेंगे, या फिर चैट जीपीटी, इसी तरह की कोई भी टूल्स या गूगल की आप हेल्प लेके करेंगे, तो हो सकता है कि उसको वो रिकॉग्नाइज कर लें और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि जो भी लिखें अपने वर्ड्स में लिखें, अपने आप से लिखें, ताकि आपका, चाहे वो आप थोड़ा सा लिखें, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखें, ताकि आपका वो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि आपको खुद से लिखना है, आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, उस तरीके से अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको ये वर्क मिल जाए। जैसे मैंने बताया कि 100% जेन्युइन है, तो आपको देरी नहीं करनी है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि गूगल क्रोम में जाके सर्च कर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, 100% उसी तरीके से करना है। और अगर आपको कहीं कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। तो मिलता है अभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपना प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।